हेलो, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है इस मूवी एक्सप्लेन 2.0 में। आज जिस मूवी के बारे में बात करेंगे वो एक जापनीज मूवी है और उस मूवी का नाम है रिमेम्बर। यहाँ मूवी होती है कि उनकी इस मूवी की कहानी ऐसी है कि जहाँ पे एक बच्चे का मर्डर हो जाता है, उसके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग जगह पर छुपा देता है जहाँ पार्ट्स को ढूंढे। अब ये इतना आसान नहीं है, इसीलिए ये सिलसिला चलते हुए है। तब देखते मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़की का जिसका नाम रहता है आजुका, जो सुबह उठती है, जिसकी मम्मी उसके लिए लंच बॉक्स रेडी करती है। स्कूल जाते वक्त उसे एक बिल्ली दिखता है, वो बिल्ली को देख मुस्कुरा कर जा ही रही होती है कि तुरंत ही वो बिल्ली एक बस के नीचे आ जाता है और जो कि जिससे बिल्ली की मौत हो जाती है। वहीं जाते जाते उसे अपना एक क्लासमेट भी दिखता है जो कि उसका एक्चुअली बचपन का दोस्त होता है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं बोलता तो करके वो भी साइड से चली जाती है। अब जैसे वो अंदर स्कूल में जाती है, अपने क्लास में जाती है, वहाँ देखती है एक लड़का जिसका नाम बता सोता है, उसे स्कूल में चोरी के इल्ज़ाम में उसे बोला जाता है कि तुम चोर हो, तुमने फेस्टिवल के पैसे चुराए हैं। यहाँ हम देखते हैं कि इस तरह से सारी चीज़ें घटनाएं घटती है। अब यहाँ पे लंच होता है, लंच के टाइम पे हम देखते हैं कि जो आजुका होती है वो अकेले होती है, उसके साथ कोई लंच करने के लिए नहीं रहता। तो आजुका अपना लंच बॉक्स लेके बाहर चली जाती है जहाँ एक कुएं के पास वो बैठकर लंच कर ही रही होती कि कुआं से बहुत सारे क्रीपी हेड बाहर आते हैं और वो आजुका से हेल्प मांगते हैं बॉडी सर्च के लिए। आजुका कुछ समझ पाती, उसके पहले कुछ कंस्ट्रक्टर आते हैं जो आजुका को बाहर जाने के लिए कहते हैं। आजुका जा ही रही होती है कि वहाँ पे एक छोटे से गली में हम देखते हैं कि एक लड़की की खड़ी होती है जो कि आजुका से अपने बॉडी सर्च के लिए हेल्प मांग रही। आजुका कुछ समझ पाती उससे पहले ही वहाँ से चले जाते हैं। अब रात को आजुका जब सोच के मोबाइल घाट रही होती है, मोबाइल चेक कर रही होती है, तो मोबाइल बहुत सारे मैसेज कंटिन्यू आते हैं जिससे आजुका एकदम चौंक जाती है और वो उसे मोबाइल को वहीं छोड़ कर अपने बेड में सोने चल जाती है। सोने के लिए बेड पर जाती है तो आजुका अपने आप को स्कूल के पीछे वाले चैपल में पाती है जहाँ उसके अलावा और भी उसके 5 क्लासमेट्स होते हैं, जिसे देखकर वो चौंक जाती है और वो सब एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो यहाँ कैसे हैं। वहीं पे सामने से हम देखते हैं आतुसी आता है। आतुसी को बोलता है कि क्या हुआ करके, कैसे है, उसे बोलता है कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ करके। वो जैसे जाता है बाहर की ओर तो उसे उस लड़की की भूत ने बहुत बुरी तरीके से उसको मार दिया होता। अब ये देख के सारे स्टूडेंट भाग रहे होते हैं, लेकिन सबको बुरी तरीके से वो हंट करके मार देती है। अब ये चीज़ जो है इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता। आजुका सुबह उठती है ये सोचकर कि वो मर गई होगी, लेकिन अपने आप को जिंदा देख के बहुत सॉफ्ट होती है। वापस ये सारी चीज़ें वापस से रिपीट होती है, उसने वही बिल्ली देखा, वही सोता को चोर कहा गया। तो वही हम देख रहे होते हैं जो ताका हीरो है वो सोता को टान कर लेके जाता है और उसे पूछता है ये सब क्या हो रहा है, मुझे समझा। ताका हीरो मोबाइल में दिखाता है इस बच्ची के बारे में, जिससे कहते हैं कि हम सब एक बॉडी सर्च गेम में फंस गए जो एक पैरानॉर्मल फिनोमिना एक्टिविटी है। ये बोल रहे कि ये क्या है, मुझे समझा। बोला कि हम एक ऐसे टाइम में फंस गए जहां हम जब तक इस काम को पूरा नहीं करेंगे हम तब तक इस टाइम से बाहर नहीं आ सकते, और हमें ये काम को पूरा करना हुआ है इस समय से बाहर आने के लिए, वरना ये चीज़ें हर दिन रिपीट होते रहेगी और वो हमारा हर दिन हंट करते रहेगी। ये सुनकर ये सब बहुत घबरा जाते हैं। उसी वक्त हमें लाइब्रेरियन दिखता है जो बहुत सस्पिशियस रहता है, बट वो लाइब्रेरी वहाँ से फिर चला जाता है, ये भी सब भूल जाता है। फिर रात होती है और फिर यही सारी चीज़ें वापस शुरू होती है जब लड़की इन लोगों को हंट करके मार रही होती है। अब वो लड़की को जो देखने में बहुत क्रिपी है, अब उस लड़की के बारे में कोई कुछ जानता नहीं, इसलिए उसे सबको रेड पर्सन करके कहते हैं। अब ये हर दिन यही सोचते कि हमारे साथ ऐसा ही होगा, इसलिए ये लाइब्रेरी में बैठ कर ये सारे एक प्लान बना रहे होते कि किस तरह से उस लड़की के सांप से निकला जाए। अब यहाँ पर सारे मिलकर जब ये प्लान बना रहे होते तो उन्होंने ये प्लान बनाया होता कि हम स्कूल के हर भाग में बढ़ जाएंगे और सब मिलकर उस लड़की के बॉडी पार्ट्स को खोजेंगे, और ये चीज़ सक्सेस भी होता है। इन्हें ऑलमोस्ट सारे बॉडी पार्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक नहीं मिलता है, जिसके लिए उन लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे होते और टेंस में आए थे। जो भी हो, सुबह होता है हम देख रहे होते कि उन्हें सारा बॉडी पार्ट्स मिलने की वजह से थोड़ा खुश होते हैं, लेकिन उसके बाद ही उनको समझ में आता है कि हमारे पास एक और बॉडी पार्ट्स मिसिंग है, और वो रहता है उस लड़की का मेन सर रहता है जिसे वो ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ क्लू नहीं मिलता था। तो उसी जगह लाइब्रेरी में बैठ के जब उन्हें उस लड़की का घर का एड्रेस मिलता है तो वो वहाँ पे अपने स्कूल के पीछे वाले घर में जाते हैं जहाँ लड़की रहती थी, ये उम्मीद में कि शायद वहाँ पे उसका लड़की का सर हो। बट वहाँ सर की जगह उन्हें उसकी डॉल मिलती है, वो डॉल तुरंत ही गायब हो जाती है, और ये देख के बाकी सब स्टूडेंट्स घर घबरा जाते हैं और भाग के बाहर आ जाते हैं। यहाँ उन्हें समझ में आता है कि सर तो यहाँ नहीं है, तो सर कहाँ हो सकता है। उसी वक्त आजुका को कुछ याद आता है, आजुका अपने दोस्तों के सामने कहती है कि ये सर हो ना हो शायद इस डॉल के अंदर हो। सब पूछते हैं ऐसा क्यों, क्योंकि आजुका ने देखा था स्विमिंग पूल में जब वो छुपे हुए थे तो वो डॉल जो है नीचे सिंक कर रही थी, तो मतलब उसके अंदर कुछ भारी चीज़ है, और ये सबको समझ में आता है कि हाँ तब ये हो सकता है कि डॉल जो है उनके अंदर हो। तो इस चीज़ के लिए वो डॉल को, उस बड़े से डॉल को मारने के लिए सोचते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सीन ऐसा है कि अब रात को वापस से ये सबको हंट करने के लिए जाती है, लड़की आती है
वापस ये सब इनके सर को ढूंढने के लिए जाते हैं। अब यहाँ ऐसा है कि इस बार लड़की नहीं आती हंट करने के लिए, इस बार वो लड़की और डॉल मर्ज हो जाते हैं। लड़की डॉल के अंदर चल जाती है, वो बहुत बड़ा ईविल बन जाती है। अब वो यहाँ पर बहुत पूरी तरीके से सबको हंट करती है और बुरी तरीके से उसको मार के खा जाती है, उनका एक एक करके शिकार कर रही होती है ऑलमोस्ट। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसी शिकार में इस बार जो शिकार बनती है वो रहती है री। यहाँ देखते हैं आजुका के सामने री को वो हंट करके खा जाती है और आजुका छत से गिरकर उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि सुबह वापस से ये जिंदा हो जाएंगे, इसलिए उनको कोई टेंशन नहीं। लेकिन जैसे ही आजुका उठती है और ये सारे क्लासमेट आपस में आते हैं, वहाँ देखते हैं री अब्सेंट है। तब री को जब खोजते तो री कहीं नहीं मिलती उनको। तब यहाँ आजुका बताती है कि री को मेरे सामने ही उस डॉल ने खा लिया था। तब अभी यहाँ से इनको समझ में आता है कि अब की बार से जो होगा, अगर यहाँ से ये डॉल इनको खा लेती है तो ये पूरी तरह से वैनिश्ड हो जाएंगे। अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है सबके लिए, तो अब ये क्या करेंगे। उसी दौरान वो लाइब्रेरियन भी आया। अब वो लाइब्रेरियन को देखकर आजुका सोच रही थी इससे जरूर कुछ पता है, तो वो उसको जाके पूछती कि तुम्हें क्या पता है बताओ। लाइब्रेरियन बोल रहा होता है कि मैं भी इस गेम का हिस्सा था, इस गेम का हिस्सा बनने के बाद मेरे को समझ में आया कि जब ये गेम ख़त्म हो जाता है तो आप सब कुछ भूल जाते हैं, जैसा था सब कुछ नॉर्मल वैसे ही हो जाता है, आपका कोई भी जैसा दोस्त नहीं रहता है। तो ये सुनकर आजुका बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आजुका के अभी अभी कुछ नए दोस्त बने थे जो कि बहुत क्लोज आए थे, और उसमें जो रहता तारा ताका हीरो रहता है जो, उसको आजुका पसंद करती है और आजुका को ताका हीरो भी पसंद करता है। अब ये सुन के जो आजुका है बहुत अपसेट हो जाती है, वो स्कूल की छत पे जाके खड़ी होकर सोचती है तो पीछे से देखते हैं कि ताका हीरो आता है। वो आजुका से पूछता है कि क्या हुआ, तुम घर नहीं गई। यहाँ हमें आजुका ताका हीरो को कहती है कि नहीं, क्योंकि मैं कुछ सोच रही थी। तो ताकि उन्होंने कहा कि तुम ऐसा क्या सोच रही थी। तब उसको बताती है कि जब ये सब गेम कंप्लीट हो जाएगा तो हम सब वापस से जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे, मतलब तुम मुझे नहीं पहचानोगे। अजय ताका हीरो उसे कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हें स्कूल में पहचानने से इनकार किया, लेकिन मैं अभी तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कहीं भी ढूंढूंगा। ऐसे उसे लव टोकन वो अपनी टाई की पिन देता है और उसे कहता है कि तुम इसे अपने पास रखो, मैं इसी के सहारे तुम्हें ढूंढूंगा। और ये कहकर फिर यहाँ से एक दूसरे को सेंट किस करते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि वापस रात का सीन होता है और ये सब इस बार प्लान बनाते हैं कि इस बार वो डॉल को मारकर उसके सर निकाल लेंगे। और ये इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि वो डॉल जो है सबका हंट करती है, सबको बहुत बुरी तरीके से मारकर खा जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब जो पांच लोग बचे थे उसमें से तीन लोगों को उसने मारकर खा गया। अब यहाँ पे जो लास्ट बचा ताका हीरो और आजुका ही बचे थे, जो ईविल से बहुत बुरी तरीके से फाइट कर रहे थे। किसी तरह से वो सक्सेस होते हैं और उस ईविल से उसका सर निकालते हैं और वो सर ताका हीरो आजुका को देता है और उसे कहता है कि जाके कॉफिन में रखने के लिए। लेकिन कॉफिन में रखने के भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो शैतान वापस से जिंदा हो जाता है और आजुका का पीछे पड़ता है। किसी तरह से आजुका उसके इससे मार के वो सर को ले आकर उस कॉफिन में रखती है और यहाँ देखती है कि पूरे बॉडी पार्ट जो है अब वहाँ पर कम्प्लीट हो जाती है। और यहाँ से ये क्रश जो ये टाइम जोन है ये ख़त्म हो जाता है और इससे ये सब मुक्त हो जाते हैं। सुबह वापस वही होता है जो बताया गया था लाइब्रेरियन के द्वारा कि सब वापस से नॉर्मल हो गए, सब कुछ भूल गए। अब यहाँ पे आजुका को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो जानती है कि हम मुझे कोई याद नहीं रखेगा। यहाँ देखते हैं कि इस लड़की की बॉडी पार्ट 30 साल बाद इसको मिले, मैंने इस लड़की और जिसका जो मरी थी ये 30 साल पहले मरी थी। और इस लड़की का नाम था मीको, जिसे मर्डर कर दिया गया था जो वह घर में अकेले थे। और इसीलिए वो सबको ऐसे इंसानों को ढूंढती है जो अपने ज़िंदगी में अकेले हो, जो कि उसके काम को कर सके। और वो यहाँ इसलिए उसका हंट करते हैं क्योंकि जो कि डरे और डर के उसके बॉडी पार्ट को जल्दी ढूंढे, वरना कौन ढूंढेगा बताओ ज़रा, है कि नहीं। तो इसीलिए ये गेम इस तरह से, तो ये गेम प्लस हॉरर मूवी है। तो ये मूवी क्वाइट मुझे बहुत पसंद आई। तो चैनल को करें लाइक से सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।